मैं समाजवादी पार्टी से ही कहना चाहता हूं कि आखिर आप इसके नाम पर, जिस पर उत्तर प्रदेश को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि राम की धरती है, कृष्ण की धरती है, गंगा यमुना की धरती है, संगम की धरती है, और उत्तर प्रदेश की धरती पर रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ रचे गए, जिस उत्तर प्रदेशवासी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए, आप उस पवित्र ग्रंथ को जला करके क्या देश और दुनिया में रहने वाले 100 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम नहीं कर रहे हैं? और इस प्रकार की अराजकता को कैसे कोई स्वीकार कर सकता है, कैसे कोई स्वीकार कर सकता है? और इसलिए महोदय, मुझे तो केवल एक पंक्ति याद आती है, जाके प्रभु तारुण दिखती ना पाके मती, विरासत में तो नहीं मिली थी लेकिन जो बचा कुचा था वो भी स्वाहा। और अटल जी ने इस संबंध में बहुत अच्छी बात कही थी, वह कहा था उन्होंने, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू पहने में शर्माते, दूध लजाते लाज ना आती, घोर पतन है अपनी मां को मां कहने में फटती छाती। जिसने रक्त पिलाकर पाला, क्षण भर उसका भेष निहारो, उसकी खूनी मांग निहारो, बिखरे बिखरे केस निहारो, जब तक दुशासन है बेड़ी कैसे बंध पाएगी, कोटि कोटि संतति है मां की लाज न लूट पाएगी।